हेलो उमरा, मैं हूँ आपका अपना नासिर शेख, डायरेक्टर ऑफ क्वांटम एकेडमी। मैं आज आप सभी को ये बताने आया हूँ कि क्वांटम एकेडमी एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट है फॉर CBSE एंड ICSE। पिछले 5 सालों में हमने कई एक्सेप्शनल रिजल्ट्स दिए हैं इन CBSE एंड ICSE। अगर आप भी CBSE और ICSE बोर्ड में हैं और अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आज ही हमें ज्वाइन कीजिए। जादू टोना के शक के चलते बुजुर्ग को चलाया गया जलते कोयलों पर। मुरबाड़ में बेटी की शिकायत पर पुलिस ने किया 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। कांदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर पे आपका स्वागत है। आज भी अंधविश्वास कितना लोगों में भरा पड़ा हुआ है और अंधविश्वास के चलते, शक शुबा के चलते लोग किस तरह का आपराधिक काम कर बैठते हैं। ऐसी एक घटना पालघर के मुरबाड़ से सामने आई है। मुरबाड़ में केरवले गांव है, यहां पर 4 मार्च को यह घटना घटी है। 75 वर्षीय लक्ष्मण भावर थे करके एक बुजुर्ग है, तो इन्हीं बुजुर्ग के साथ ये अमानवीय व्यवहार किया गया, वो भी जादू टोना और करनी करने के शक में। 4 मार्च को गांव में जागरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसके लिए अंगार जलाया गया था, अलाव जलाया गया था। उसी दौरान कुछ लोग लक्ष्मण भावार्थे के घर में घुस जाते हैं और जबरन उन पर जादू टोना का शक होने के चलते बाहर निकालते हैं और उन्हें यहां पर जलाए गए इन कोयलों पर, इस अलाव पर चलने के लिए मजबूर करते हैं। अब लक्ष्मण भावार्थे के पैर इसमें अच्छे खासे झुलसे हैं। वहीं लक्ष्मण भावार्थे की बेटी की शिकायत पर पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, मगर अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के जो सदस्य हैं, उन्होंने भी इस संबंध में पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। क्या उन्होंने कहा है वो भी हम आपको इस खबर में दिखा रहे हैं। महाराष्ट्रामध्ये जादूटोणा विरोधी कायदा अस्तित्वात असताना देखील अजूनही भूतबाधा झाली म्हणून अघोरी प्रकार महाराष्ट्रात घडताना दिसतायत। ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड तालुक्यामध्ये करवळे नावाच्या गावामध्ये एका वयोवृद्ध माणसाला, तू भूताळ्या आहेस, तू भूतबाधा करतोस, त्याच्यामुळे गावामध्ये आजारपण पसरतंय, असा आरोप करून गोंधळाच्या ठिकाणी रात्री अपरात्री त्याला उठवून त्याला जळत्या निखाऱ्यावर चालायला लावणं, त्याला त्याच्यावरती ढकलून देणं, असे प्रकार गावकऱ्यांच्याकडनं केले गेले। ज्या मांत्रिकांनी असा आरोप केला त्या मांत्रिकाला आणि त्याच्या सर्व साथीदारांना जादूटोणा विरोधी कायद्यानुसार त्वरित अटक करावी अशी मागणी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या वतीने आम्ही करत आहोत।